क्या हाल है सर, तुमसे बात कर रहा हूँ। कैसे कोई बात नहीं करता क्या? अरे मुझसे कैसे बात कर लिया यार। बढ़िया, कितने लोग आए तुम साथ में? तुम तीनों साथ में आए हो। क्या नाम है? नवनीत। और आप? अभिषेक। इसे बच के रहना। और बीच वाले अरविंद, क्या करते हो तीनों? तीनों अलग अलग बोल, तीनों अलग अलग काम करते हो। क्या हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? जॉब कर रहे हो कि स्टूडेंट्स हो? इंटर्न हो? तो अनएम्प्लॉयड हो मतलब? कहाँ पे इंटर्न हो? ब्लू बैश। ये क्या है? कंपनी है ये चंडीगढ़ में। पब कौन बोला? अरे नाम से लग रहा है पब होगा, मेरे को भी लगा ब्लू बैश है, नाम से पब ही लग रहा है। अच्छा वहाँ पे इंजीनियर हो तुम तीनों। कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं लेकर आया साथ में? तीनों की गर्लफ्रेंड नहीं है? एक दूसरे को खुश रखते हो आपस में बस? तीनों अकेले आए हो ऐसे? तीनों की गर्लफ्रेंड नहीं है? वो आपस में देख रहे हैं कि कोई ये है क्या? तुम दोनों टोपी वाले को क्यों देख रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या ये बीच वाला? कह रहे हम तो इसी से काम चला रहे हैं भाई साहब, बताए। तीनों अकेले आए वैसे? किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है? सिंगल हो तीनों? हार्डकोर सिंगल। हार्डकोर सिंगल क्या होता है? नसबंदी कराई हुई है तुमने? हार्डकोर सिंगल क्या होता है? हार्डकोर सिंगल क्या होता है? माथे पे आई कैन लिखवाया हो? हद है यार, मतलब ये किसने आइडिया दिया तेरे को? मतलब तुम्हें समझ आ रहा है मुझे क्यों पैसे मिले जॉब करने के? इसको भी नहीं मिले एयरटेल यूज। कितने साल जॉब करी तुमने मर्चेंट नेवी में? 6 साल। तू कितने साल का है? 28 का। तू 28 का है? नहीं नहीं, मैंने क्या करना आधार कार्ड का? मैंने ये सच्ची में 28 का? तू ये लग रहा है देख भैंचो, ये 28 का है, तू 22 का है। तेरे छुट्टे कराएं 6 ऐसे आ जाएंगे भैंच। वो बड़ा ही नहीं है भैंचो समुद्र में जाके। कुछ फिटनेस टेस्ट वगैरह भी होता है मर्चेंट नेवी के लिए? क्या टेस्ट होता है? ये तू मेरी सहेलियां वाली पहेलियां को पूछ रहा है? सीधा बोल दे वो क्या होता है जो अंदर से लाल होता है बाहर से हरा होता है? जो सीधा ट्रेडमिल बोलना। मर्चेंट नेवी ट्रेडमिल पे ऊपर टेस्ट लेते हैं? मेडिकल होता है तो चेक करते हैं कि डू इट लिखा हुआ लिखा होगा। टैटू अलाउड नहीं होते ना? टैटू अलाउड होते हैं मर्चेंट नेवी के अंदर? इंडियन नेवी में नहीं होते। इंडियन नेवी में नहीं होते तो तेरा इसलिए रह गया था कि तुम टैटू बनाया हुआ था? टैटू बनवाता था मर्चेंट नेवी में आया तो। इंडियन नेवी में तू जा भी ना पाता। तू भैंसो बताता हूँ भाई, तो वो होता नहीं कुछ, नीचे नीचे घूमता रहता है सर, वो आ रही है वो क्या होता है क्या होता है, इनमें सबमरीन ड्रैग करके चली जाती है। तो तेरा एग्जैक्टली काम क्या था मर्चेंट नेवी के अंदर? क्या प्रोफाइल थी तेरी? क्या था? ऑयलर। तो काफी तेल लगवा के आया हुआ तू है तभी आ रहा है। जा रहे हो आप? मिल गया कस्टमर, बैठ जाओ, थोड़ी देर रह गया। तो आप वो क्या आप कनाडा जा रहे हैं वापस? अरे बैठ दो, कोई नहीं 10 मिनट का रह गया, चले जाना, क्या हो गया? वो भी कह रहे हैं भाई साहब ना जाने दो उनको, रोक लो। कहाँ जाना है आपको? ये रात को कौन सा पेपर वर्क हो रहे हैं? तो फैमिली वाले रात को ही करते हैं। ये कौन सा बिजनेस चल रहा है तुम्हारा? नहीं जाने जाओ, जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या बुरा होना मान दूंगा यहाँ पे? जाने जाओ, जाए इधर लिखवाते यू कैन, वो चले जाएंगे।
लिखवा दे, नहीं जाना जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू, थैंक यू, बाय। कोई फॉलो नहीं करेगा भाई, रिपोर्ट कर दो पेज आके आ जाओ, कहो पैसे दिए आया नहीं कुछ भी ऑर्डर हमारा। क्या बात है बताओ, क्या सही ट्रिक है ना ये। बाय बाय, इसको लेके जाओ साथ में आप। हाँ तो दोस्तों, आज तुम्हें मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है, दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें कुछ नहीं करना है, आप कोई भी एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे एप्पल, गोल्ड, कोई भी फॉरेन करेंसी, यूरो, यूएस डॉलर। इसमें आप 90% तक प्रॉफिट कमा सकते हो। और कुछ नहीं करना है, बस कोई भी एसेट लेना है और उसको आपको फोरकास्ट करना है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ। मैं 700 रुपए का ट्रेड आप में करता हूँ और अब देखते हैं कि एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। मैं कहता हूँ बढ़ेगी, और थोड़ा रुकते हैं। अरे वाह, मेरा फोरकास्ट सही निकल गया, तो बढ़ गई। इसका मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट सिर्फ 350 रुपए है, और अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो अमाउंट डबल हो जाएगा, मतलब 400 डालोगे तो 800 मिलेंगे। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में 24 घंटे के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से अभी बिनोमो डाउनलोड करो, और आपको डेमो अकाउंट के अंदर 65,000 रुपए का एक अमाउंट मिलेगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, स्ट्रेटेजी बना सकते हो, कैसे कैसे पैसा कमाओगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा फायदा है। पर हाँ, ध्यान से करना, क्योंकि इन सारी ट्रेडिंग के अंदर आप कैपिटल को रिस्क तो होता ही है। तो आज ही बिनोमो डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू? आपको तो ऐसे लोड करते होगे ना कि मतलब आओ हमारे पास किडनी का करवाओ टेस्ट वेस्ट, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं होती होगी ऐसे ना। तुम्हारा कोई प्लान है कि मतलब यही रहना है, डॉक्टरी रहना है, आगे जाके कुछ प्लान है कि मैं अपनी लैब वैब खोलूँ? लैब में ज़्यादा प्रॉफिट होता होगा ना, है ना? तो ऐसा प्लान है आगे जाके कि मैं खुद की लैब वैब खोलूँ? तुम कितने सुधर गए हो ना, घर जाके अंकल एंड मम्मी रोटी देनी है दे दो, नहीं तो कोई बात, मैं तो पानी पी के भी सो जाता हूँ मेरे को। भाई बंदा आया कैसे था, कितना क्यूट सा बन गया ना एकदम, ऐसा लग रहा है इसका परछावा बढ़ गया इसके ऊपर। अंदर सोच रहा होगा अच्छा वाला मैंने तो कपल के साथ लगा था, मैंने काम उंगली कर दिया यार। नहीं यार, बहुत प्यारा बंदा है यार, 10 लाख रुपये कमाता है, और तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुम सारों का मिला के 10 लाख का पैकेज नहीं बनने वाला है। तू वापस क्यों नहीं गया? 2019 का तो बहुत टाइम हो गया, वापस जॉब क्यों ज्वाइन कर रहा? चिल कर रहा है। निकाल दिया ना बेसिकली तुझे मैंने, छुट्टी पे तो नहीं है तू, अभी छोड़ चुका है ना वो वाली जॉब, 2 साल से छुट्टी पे ही है। इतनी छुट्टी होती है 2 साल की मर्चेंट नेवी में? फिर ये बोलता होगा सर मेरी सैलरी नहीं आ रही, घर का खर्चा कैसे चलाऊं? यू कैन छुट्टी चल, मतलब छोड़ी हुई है जॉब, अब नई कंपनी ढूंढेगा, इसको लगवाओ अपनी कंपनी में। अरे भैंस मेरे भी छूट जाएगी, इसको लगवा दिया। बात बात कर ले, मर्चेंट नेवी वाला है, ढूंढ रहा है वैसे जॉब तू? तो फिर चिल का लोड़ा कर रहा है, तो नौकरी नहीं मिल रही ना, चिल कर रहे हैं, वही वाली बात है, हार्ड कोर सिंगल भैंस, नहीं मिल रही तो अपने आप से चिल कर रहे हैं हम, जो चिल नहीं कहते हैं। तो दफ्तरों में थोड़ा ना जा रहे, तो कहाँ ढूंढ रहा है? नेट पे ढूंढ रहा है, खुलेआम मिलती है। तो जॉब की बात कर रहे हैं ना भाई, बोल रही ये आते हुए इसका दरवाजे में सिर पर लग गया था क्या? ऐसी है ये, ऐसी है। पापा ने भी यहाँ पे लिखवाया है, आई स्टूडेंट हैव। घर वाले खुश है तुझसे? कहते नहीं कि बेटा जॉब पे जाओ वापस? मतलब ये निकाला हुआ है क्या घर से? तू अभी कहाँ, गांव में रहता है या चंडीगढ़ रहता है? चंडीगढ़ में क्या कर रहा है? चिल क्या बहन, जो जाके छाती पे गोले रगड़ता है अपने बर्फ के, क्या कर रहा है चिल? घर में चिल कर ले, कैसे चिल कर रहा है?
तू चंडीगढ़ में बिना जॉब के ऐसे ही बैठा हुआ है, चिल कर रहा है बस, फुटपाथ पे पड़ा हुआ डॉक्टर गया, क्या कर रहा है यहाँ पे, चिल कर रहा है। 6 साल में तो बहुत पैसा कमा लिया होगा तूने। क्या अन्नेवा क्या बोला इसने? क्या पंजाबी में क्या वर्ड होता है? अन्नेवांग। अच्छा, अंधो की तरह। अच्छा सर समझा रहे हैं, सर आप पंजाबी पढ़ाते हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में? अन्नेवांग तो मुझे भी समझ आ गया, एकदम से बोला पंजाबी तो मुझे भी आती है, तो तूने बोला ऐसा नहीं समझ ही नहीं आया, यहाँ पे लिखवा लियो आगे से अन्नेवांग, तो ऐसे ऐसे कर दिया करो अगली बार। आप क्या करते हैं सर? बिजनेस मैन। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? दो कस्टमर हैं आपके लिए। क्या टाइमिंग है सर, ले लो। कह रहे पहले बताना चाहिए था अंकल। आज मेरा मन में पांच साढ़े पांच कितने तक बजेगा, तेनू फड़न वाला बैठा अगे प्यो तेरा।